बताओ। इंडिया की मोस्ट कलरफुल स्टेट हरियाणा के बारे में वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने बहुत अनानास यार असल में इंडिया इतना बड़ा ना भाई कैरेट मिलने वाला है कैरेट मिलने वाला है मार्केट भी काफी साफ लगी है इस बहुत क्लीन ठीक है बहुत क्लीन थी पूरा नजर आ रहा है कुछ और काफी लोग अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम टू आवर चैनल अब्बास कोरिया। तो जी आप लोगों ने अगर हमारा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक आवर वीडियो शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड एंड गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। तो जी एज आप सबको पता ही है कि हम लोग इंडियन कल्चर उसके बारे में वो कर रहे हैं जैसे पीछे हमने इंडिया की मोस्ट कलरफुल स्टेट हरियाणा के बारे में वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी थैंक यू सो मच। और आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार देखते हैं कि इंडिया में भी जैसे ये फलों की मार्केट ये वो कैसी होती है और उसके लिए जो हम लोग जिसको करने लगे हैं वो है जी एएमपीसी मार्केट एपीएमसी मार्केट वशी इन नवी मुंबई। वहां पे एक होलसेल फ्रूट्स की मार्केट है मुंबई के अंदर देखते हैं कि कितनी महंगाई है और क्या हिसाब किताब है कैसे फल हैं सब्जियां फल वगैरह क्योंकि आजकल पूरे ओवर ऑल द वर्ल्ड महंगाई काफी ज्यादा हो गई है। चलिए देखते हैं ये मार्केट स्टे विद अस पूरा यहाँ पे आपको होलसेल भाव में कलिंगड़ मिलने वाला है पूरा वहाँ से लेके पूरा एक कलिंगड़ मंडी है ये आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से कलिंगड़ मिलने वाला देख सकते हो आप 10 रुपए किलो के हिसाब से आपको ये पपाया मिलने वाला छोटे से 500 रुपए में पूरा आपको 20 किलो का कैरेट मिलने वाला है। हाय एवरीवन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग उड़ो गाइस मैं आज आ चुका हूँ न्यू मुंबई वाशी एपीएमसी फ्रूट मार्केट। तो आप लोग उड़ो के साथ बने रहिए गाइस देखते हैं इस मार्केट में कौन सा फ्रूट अवेलेबल है क्या क्या रेट्स है सब हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा कंटेंट में अनानास है आप लोग देख सकते हैं यार असल में इंडिया इतना बड़ा ना फटाफट से भाई कैरेट मिलने वाला है कैरेट मिलने वाला है 500 में कितना 500 में 12 पीस अनानास मिलने वाला है भाई ये होलसेल में मिलता है इधर पे सब 500 के 12 मतलब 100 रुपया बनाना सब साइज के हिसाब से मिलेगा ना भाई नहीं ये 500 में 12 पीस मिलने वाला है 500 के 12 कह रहा है ये 400 में 12 मिलने वाला है ये 300 में 12 मिलने वाला है छोटे साइज में सबसे छोटे साइज में आप लोग देख सकते हो 300 में 12 पीस मिलने वाला है। और ये वाला भाई 12 में तो मिलने है ना साथ 6-6 सौ ये 1000 में आपको 12 पीस मिलने वाला है अनानास देख सकते हो बड़े साइज में 2 किलो के आसपास रहेगा 2 किलो के आसपास। और भाई ये वाला क्या रेट मिलने वाला 700 ये 700 में 12 पीस मिलने वाला है आप लोगों को देख सकते हो ये बड़ा अच्छा क्वालिटी का होगा 700 टिकटा के गाय ज्यादा महंगा भी नहीं है एकदम कम प्राइस में मिल रहा है आपको यहाँ पे अनानास इस तरफ देख सकते हो कैसा बाहर साइड से यहाँ पे माल आता है इस मार्केट में वाशी मार्केट में फर्स्ट टाइम ऐसे देखे अनानास पूरा ये इधर पे अनानास है पूरा अनानास कैसे उसको डिसिप्लिन कर उनको रखा है वो गिर भी नहीं रहे हैं पूरा ये अनानास पूरा ट्रक भर भर के यहाँ पे आया है इस मार्केट में वाशी मार्केट में वाशी मार्केट इस तरफ आप लोग एप्पल देख सकते हैं भाई एप्पल क्या रेट मिलने वाला है एप्पल एप्पल 850 पीटी अच्छा तो एक पीटी में कितना पीस आएगा भाई इसमें पीस साइज नहीं होता इसमें किलो होता है अच्छा मतलब 10 किलो अच्छा मतलब 11 किलो अच्छा अच्छा तो 800 में 10.5 किलो से लेके 11 किलो आपको एप्पल मिलने वाला है 800 ये होलसेल भाव है ना भाई होलसेल इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो पूरा एप्पल है ये वो अनार 90 रुपए किलो मिलने वाला है तो भाई पूरा जाली लेंगे तो कितने में पड़ेगा 50 रुपए कम हो जाएगा ये अच्छा अच्छा और एक जाली में कितना किलो बैठता है एक जाली में 20 किलो बैठता है अच्छा ठीक है सब होलसेल मार्केट है ना भाई होलसेल मार्केट सब होलसेल तो मतलब रिटेल्स में भी यहाँ पे आ सकते हैं जो रिटेल्स में चाहिए होलसेल भी रिटेल भी वो दे देंगे ना हाँ 2600 में टोटल कितना पीस है अंदर 60 पीस अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और ये वाला कौन सा फ्रूट है भाई केसर है केसर केसर नहीं 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 ये
केसर कहते हैं छह सौ बारह पीस केसर तो अगर पूरा पेटी खरीदेगी थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा ना तो ये शॉप के ओनर है और ये अपना नंबर शेयर करे आप लोगों के साथ में जब भी आप इस मार्केट में विजिट कर रहे हो तो आप लोग इनसे कॉल करके आ सकते हो और जिसको अभी रमजान स्टार्ट हो रहा है तो जिसको अभी रमजान में बिजनेस चालू करना है थोड़ा बहुत यहाँ से खरीद सकते हो या ज्यादा कंटेंट में आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो तो इनको आप लोग कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो। तो भाई अपना नंबर बताइए आप 8928024938। तो भाई कोई अगर कॉल करके वगैरह आता है तो मेरे सब्सक्राइबर आप लोग उनको डिस्काउंट वगैरह करके दे देंगे ना। हाँ मिल जाएगा। और जिसको बिजनेस वगैरह करना वो भी यहाँ से आपके आपके साथ डायरेक्ट अपने इधर से सब जाता है माल बिहार जाता है पनमेल जाता है मुंबई जाता है। और एक बात है गाइस आपको यहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो जाएगा ट्रांसफर वगैरह करते हो ना भाई तो मिनिमम कितना मुझे बजट चाहिए ट्रांसफर के लिए आपके पास से कम से कम 5 पेटी के ऊपर होना चाहिए कोई भी चीज 5 पेटी जैसे पेरे आना चाहिए 5 पेटी मतलब प्राइस टोटल बताइए मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो आपको देना पड़ेगा। हाँ ट्रांसपोर्ट का मतलब मिनिमम प्राइस मतलब पेटी के ऊपर। अच्छा अच्छा ठीक है मतलब इस तरफ भी ये पूरा अनार आप लोग देख सकते हो इस तरफ भी आम वगैरह भी है मतलब इंडिया में आम काफी ज्यादा आ गए 650 में आप लोग को 10 किलो अंगूर मिलने लगे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल पाकिस्तान में थोड़ा कम देखने को इस तरह भी आप देख सकते हो थोड़े छोटे साइज में ये 400 में एक पेटी आएगा कितना किलो वजन रहेगा 9 किलो माल रहेगा इसके अंदर 350 में आएगा 18 किलो ये आप लोग देख सकते हो ये 18 किलो है 350 में आने वाला है 700 में आएगा 17 किलो। अच्छा ये 700 में आप लोग देख सकते हो 17 किलो आने वाला 700 में 17 किलो माल है। बेल फ्रूट देख रहे हो बेल फ्रूट है ना भाई 100 रुपए किलो मिलने वाला है और पूरा पेटी खरीदेंगे तो भाई कितने पड़ेगा 3000 में मतलब कितना किलो रहेगा कितना पीस बैठेगा उसके अंदर पेटी के अंदर 20-21 किलो पड़ेगा। अच्छा ठीक है ये वाला कौन सा फ्रूट है भाई थोड़ा दिखाएंगे खोल के कौन सा बोले फ्रूट मलबेरी क्या रेट मिलने वाला भाई 70 रुपए पूरा पैकेट मलबेरी और ये वाला भाई 50 रुपए पूरा ये मिलने वाला है पैकेट आपको कौन सा फ्रूट है भाई ये गोल्डन मेरी गोल्डन मेरी देख सकते हैं आप लोग 50 रुपए में आपको ये मिलने वाला है। ये आप लोग ड्रैगन फ्रूट देख रहे हो 150 रुपए किलो आपको मिलने वाला है यहाँ पे सब आपको किलो के हिसाब से मिलने वाला है भाई 1 किलो में कितना बैठेगा 4 पीस बैठेगा 4-5 पीस बैठ जाएगा 1 किलो में। और एप्पल भाई एप्पल है 800 रुपए में पूरा कैरेट एप्पल का मिलने वाला है देख सकते हो आप लोग। और केबी भाई केबी बोलते हैं इसको केबी क्या रेट मिलने वाला है 1400 में पूरा आपको ये केबी का कैरेट मिलने वाला है कितना किलो वजन रहेगा भाई 10 किलो इसका वजन है और 14 पेयर फ्रूट देख सकते हो भाई कैरेट मिलने वाला है कैरेट मिलने वाला फ्रूट 1400 में पूरा पेटी तो कितना किलो रहेगा भाई ये 12 किलो का पेयर फ्रूट का पेटी है 1400 में मिलने वाला है सब सेम है ना भाई वो भी। ये जो आप लोग संतरा का पेटी देख रहे हो 1300 रुपए बता रहे रेट इसका एक पूरा पेटी मिलेगा 1300 में तो कितना किलो रहेगा भाई कितना पीस बैठेगा उसके अंदर कितना किलो 15 किलो कितना पीस आएगा उसके अंदर तो आपको ये संतरा जो है 72 पीस मिलने वाला है एक पेटी के अंदर। ये इस तरफ आप लोग आम देख सकते हो भाई आम कैसा 2500 में पेटी आने वाला है कौन सा आम है भाई देवर आम है। और कितना पीस रहेगा मिनिमम एक पेटी में हाँ 6500 मिलने वाला है 2500 में देवर आम है और सब सेम है क्या अलग अलग है सेम अच्छा ये सब सेम आम है देख सकते आप लोग सेम है इस तरफ भी पूरा ये आम है ये आप लोग देख सकते हो सब अलग अलग साइज में आम है।
ये इस तरफ आप लोग केला देख सकते हो, फिलहाल तो ये कच्चा केला है, इलायची केला। पूछेंगे रेट भाई, कैसा पेटी दे रहे हो केला? सत्तर रुपए किलो इलायची केला है ना भाई? 70 रुपए किलो इलायची केला आपको मिलने वाला है। तो ये आप लोग रेड कलर का केला देख सकते हो, तमिलनाडु का एक केला है। क्या रेट मिलने वाला है सर? 70 रुपए किलो। अच्छा अच्छा, पर केजी के हिसाब से मिलता है, डजन के हिसाब से मिलता रहेगा ना? अच्छा अच्छा, डजन के हिसाब से नहीं, ये एक किलो के हिसाब से मिलेगा 70 रुपए किलो, और ट्रांसफर वगैरह हो जाता है ना ऑनलाइन? अच्छा ठीक है, तो आप अपना नंबर शेयर करेंगे जिसको अगर ट्रांसफर में गरीब मंगाने का रहेगा, जिसको नया बिजनेस स्टार्ट करने का रहेगा, अभी क्या रमजान स्टार्ट हो रहा है ना इसके लिए, तो अपना थोड़ा नंबर बताइए। 9137297288। अगर गाइस अगर आप कभी इस मार्केट में विजिट कर रहे हो, वाशी ड्राई फ्रूट मार्केट, फ्रूट मार्केट में, तो आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे रेट वगैरह जो है आपको एकदम कम करके दे देंगे होलसेल भाव में। और आप लोग कलिंगड़ देख सकते हो, 9 रुपए किलो आपको मिलने वाला है होलसेल भाव में। मतलब आप पूरा कैरेट लेना पड़ेगा ना, पूरा कैरेट खरीदना पड़ेगा। मतलब जिसको एक दो पीस चाहिए वो भी मतलब उसे खरीद सकते ना इसमें मार्केट में? नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, मतलब पूरा मतलब 100 किलो 50 किलो ऐसा खरीदना पड़ता है ना? अच्छा ठीक है, तो एक दो पीस नहीं मिलेगा गाइस। अगर आप लोग 100 किलो या 50 किलो ज्यादा कंटेनर में खरीदते हो आप, तो आपको ये 9 रुपए किलो से आपको ये मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हो, तो ये शॉप के ओनर है। अगर आप लोग भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो फ्रूट का, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एकदम होलसेल भाव में आपको जो भी इनके पास फ्रूट अवेलेबल रहेगा, तो आपको एकदम हिसाब से लगा के भाव में दे देंगे। तो अपना ये शॉप के ओनर आपके साथ नंबर शेयर कर रहे, तो नंबर बताइए आपका। मतलब अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना? और ऑनलाइन वगैरह ट्रांसफर हो जाता है तो मिनिमम मतलब कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? मिनिमम तो जो क्वांटिटी होगी, आम लोगे तो पेटी लेनी पड़ेगी, चाचा लोगे तो 9-9 किलो 10-10 किलो का बॉक्स आता है, कलिंगड़ में 100 किलो 200 किलो। मतलब मिनिमम कितना बजट रहना चाहिए पार्सल के लिए, ऑर्डर करने के लिए? आपकी गाड़ी आपको लानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब ट्रांसफर का खर्चे जो मंगाते हैं उनको देना पड़ेगा ना, कस्टमर को देना पड़ेगा? अच्छा, इस तरफ भी अंगूर है, पेरू वगैरह है। भाई पेरू क्या रेट दे रहे हो? पेरू हाँ क्या रेट दे रहे हो? 55 रुपए किलो। अच्छा, पूरा कैरेट खरीदना पड़ेगा? तो ये 55 रुपए किलो आपको पेरू मिलने वाला है, और मिनिमम 10 किलो खरीदना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको 55 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिलने वाला है। और पूरा कैरेट लेंगे तो भाई रेट वगैरह कम होएगा, 50 रुपए कम होएगा। अच्छा, तो एक कैरेट में कितना किलो बैठेगा? 17-18 किलो आएगा। और ये आप लोग अंगूर देख सकते हो, तो भाई क्या रेट मिलने वाला है अंगूर? भाई 600 रुपए ओनर है, और ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग इस मार्केट में विजिट कर रहे हो फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग नया बिजनेस भी स्टार्ट वगैरह करना चाहते हो, ज्यादा कंटेंट में अगर आप लोग फ्रूट वगैरह खरीदना चाहते हो, तो भी आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई अपना कांटेक्ट नंबर बताइए आप। बताओ ना भाई, 7304889168 मेरा कांटेक्ट नंबर है। अच्छा अच्छा, मतलब ऑनलाइन फ्रूट मार्केट F89 में मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब ऑनलाइन वगैरह भी ट्रांसफर होता है ना भाई? हाँ करेगा ना भाई, जैसे फोन में ऑर्डर देगा वो माल भेज दूंगा ना, जिधर का एड्रेस देगा कांटेक्ट करना। ऑल मुंबई में किधर ही भेजेंगे? हाँ ऑल मुंबई किधर भी, और मुंबई के बाहर? मुंबई के बाहर भी भेजता हूँ ना ट्रांसपोर्ट में। अच्छा अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसको, मतलब कस्टमर को करना पड़ता है? उसको देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है गाइस आप लोगों को करना पड़ेगा, कस्टमर को करना पड़ता है। और यहाँ से माल भेजने की जिम्मेदारी इनकी है, आपको कितने यहाँ पे होलसेल भाव में जो भी इनके पास फ्रूट अवेलेबल रहेगा तो आपको भेजेंगे। मतलब सभी तरह का फ्रूट आपके पास अवेलेबल रहता है ना? फ्रूट का कॉन्टेक्ट है अपना। अच्छा, कोई भी फ्रूट लेंगे, कलिंगर हो, अभी रमजान आ रहा है, कलिंगर हो, खरबूजा हो, और क्या बोलता है बनाना वगैरह जो भी चाहिए सब मिलेगा अवेलेबल है। ये आप लोग खरबूजा देख सकते हो, ये खरबूजा है 30 रुपए रेट है इसका, पर के जी 30 रुपए। अच्छा, पर के जी 30 रुपए। और ये वाला खरबूजा भाई,
ये भी 30 रुपए पर केजी है, 30 रुपए पर केजी। देख सकते हैं आप लोग कितना सारा खरबूजा है, और यहाँ से आपको कैरेट वगैरह भर के भी मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा कंटेनर लेते तो और भी आपको रेट वगैरह जो है कम करके मिलने वाला है। यहाँ पे जो आप लोग कलिंगड़ देख रहे हो, बड़े साइज में कलिंगड़ है, और क्या रेट मिलने वाला भाई? ये 15 रुपए पर के जी है भाई, 15 रुपए पर के जी। एक हाथ में उठा के दिखा दो, कितना किलो करेगा मिनिमम? एक मिनिमम 3.5 से 4 किलो का है, और 15 रुपए के जी से आपको मिलने वाला है। देख सकते हो कितना सारा कलिंगड़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये इस तरफ आप लोग पपाया देख सकते हो, क्या रेट मिलने वाला है पपाया? पपाया का रेट मिलने वाला 25 रुपए किलो के हिसाब से आपको ये पपाया मिलने वाला, छोटे साइज में। और ये बड़े साइज वाला भाई, बड़े साइज में वाला क्या भाव मिलेगा? 25 रुपए 26 रुपए के जी के हिसाब से मिलने वाला आपको ये अपना पपाया। ये इस तरफ भी आप लोग पपाया देख सकते हो, बाहर क्या रेट मिलने वाला है पपाया? ये 40 रुपए किलो पपाया आने वाला है, 45। मतलब भाई ये होलसेल भाव है ना, ये रिटेल भाव है, होलसेल भाव है 40 से 45 रुपए किलो। अच्छा अच्छा 25 और 40। इस तरफ आप लोग पेरू देख सकते हो, कितना ये लाल पेरू सैंपल पीस रखा हुआ है, नहीं है ना वो 25 से ज्यादा। आप लोग देख रहे हो 35 रुपए किलो से आपको मिलने वाला है, मगर पूरा कैरेट खरीदना पड़ेगा आपको पेरू का, तभी आपको 35 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाला है। इस तरह भी आप लोग देख सकते हो भाई, 35 रुपए किलो है ना, मतलब 35 रुपए किलो के रेट में मिनिमम कितना खरीदना पड़ेगा? 20 किलो। अच्छा 20-25 किलो लेगा तो 35 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ऐसा 1 किलो 2 किलो भाई नहीं मिलता ना, ये होलसेल है ना, इसलिए नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा कैरेट खरीदना पड़ेगा। फ्लेप ये कैरेट मिलने वाला? ये 800 रुपए का। अब ये कैरेट कितने मिलेगा पूरा? ये 10 किलो का। 10 किलो कैरेट 800 में मिल जाएगा। अच्छा ये फ्रेट, इस तरह आप लोग ड्रैगन फ्रूट देख सकते हो भाई, क्या रेट मिलने वाला है? 50 रुपए का किलो, 50 का एक पीस बोल रहे हैं। और केवी भाई कभी किलो बेचते हैं बाहर जाके लोग, 50 का डब्बा है, 4 पीस है केवी का, आप लोग देख सकते हो। होलसेल है ना भाई? अच्छा मतलब ये होलसेल में 50 का एक बेच रहे हो, होलसेल में रिटेल में? अच्छा होलसेल में देख सकते हैं आप लोग। आप लोग गोभी तरबूजा देख सकते हो भाई, ये क्या रेट मिलने वाला है? ये 40 रुपए को किलो मिलने वाला है। ये इस तरफ भी पूरा ये पपाया है, आप लोग देख सकते हो, ये इस तरफ भी पपाया आप लोग देख सकते हो भाई। आपका है क्या? आपका है क्या रेट बेच रहे हो भाई? 40 रुपए किलो, मतलब भाई ये होलसेल है ना पूरा? 40 रुपए किलो से बेच रहे हैं। ये भी आपका ना, ये क्या रेट है भाई? 35 का। ये 35 रुपए का एक पीस, एक किलो। अच्छा ये 35 रुपए किलो मिलने वाला है। लोग खाते हैं पपीता भी। ये इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो पपाया। ये जो आप लोग जितना भी बड़े साइज में राम फल देख रहे हो, ये 110 रुपए किलो मिलने वाला है, मगर गाइस मिनिमम आपको 5 से लेकर 10 किलो तक आपको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, तभी जाके आपको 110 रुपए के रेट में आपको मिलने वाला है। और जो आप लोगों ने छोटे साइज में देखिए, ये भी आपको 70 रुपए के किलो के हिसाब से मिलने वाला है, मगर ये भी आपको 5 से लेकर 10 किलो के, मतलब 5 से लेकर 10 किलो के बीच में खरीदना पड़ेगा आपको। इससे ज्यादा आप खरीद सकते हो, मिनिमम मतलब 5 किलो तक खरीदना पड़ेगा आपको। पेरू भाई, पेरू क्या है? 70 रुपए किलो पेरू मिलने वाला आप लोगों को देख सकते हो, बड़े साइज में पेरू है। तो आप लोग कलिंगड़ देख सकते हो भाई, कलिंगड़ क्या रेट मिलने वाला है? ये आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से कलिंगड़ मिलने वाला, देख सकते हो आप लोग। ये छोटा वाला जो कलिंगड़ देख रहे हो आप लोग, ये 12 रुपए किलो मिलने वाला है, और जो बड़ा वाला कलिंगड़ है वो लोग क्या भाव मिलेगा? वो
14 रुपए, ये बड़े साइज वाला आपको 14 रुपए किलो मिलने वाला है। तो भाई मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, मतलब 9 रुपए के किलो के हिसाब से, 10 रुपए किलो के हिसाब से, 40 किलो से ऊपर? अच्छा, मतलब 40 किलो के ऊपर लेंगे तो 10 किलो 10 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाला है कलिंगर होलसेल में मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब गाइस 40 रुपए किलो के हिसाब से आप लेते हो तो तभी जाके आपको ये 10 रुपए किलो के हिसाब से कलिंगर मिलने वाला है। अगर आप लोग एक दो किलो लेने की सोच रहे हो तो आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ये इस तरफ भी कलिंगर है, आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ पे कलिंगर फ्रूट है। ये आप लोग कलिंगर देख सकते हो, बड़े साइज में कलिंगर है। भाई क्या रेट मिलने वाला है कलिंगर? 40 किलो से। अच्छा, तो इसमें तीन साइज का कलिंगर है, 10 रुपए किलो भी मिलने वाला है, 11 रुपए किलो भी मिलने वाला है और 12 रुपए किलो भी मिलने वाला है। जो ये वाला भाई, ये क्या भाव मिलने वाला है? ये 10 रुपए किलो वाला है। अच्छा अच्छा, ये बड़े साइज में जो 12 रुपए के जी के हिसाब से मिलने वाला है, छोटे साइज में 10 रुपए और मीडियम साइज में 11 रुपए किलो के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पूरा ये होलसेल मार्केट है ना भाई, पूरा होलसेल मार्केट है। इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो कलिंगर, ये देख सकते हो कितना ये लाल कलिंगर है, बूझ लो कि आजकल वो हुआ है। चलो, ये पूरा कलिंगर है, 10-11-12 पूरा यहाँ पे आपको होलसेल भाव में कलिंगर मिलने वाला है। देख सकते हो पूरा वहां से लेके पूरा एक कलिंगर मंडी है, यहाँ पे आपको खाली कलिंगर ही देखेंगे। इतना बड़ा उतना महंगा? ये साइज में जो आप लोग कलिंगर देख रहे हो आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाला है, और वो साइज का देख रहे हो आप लोग वो 13 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाला है। मगर ये गाइस थोड़ा बड़े साइज में, इसलिए आपको ये 13 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाला है। देख सकते हो चिकू का रेट 500 रुपए का कैरेट, तो 500 में कैरेट मिलने वाला चिकू का। एक कैरेट में मिनिमम कितना किलो वजन रहेगा? 20 किलो का कैरेट है। कितना रेट है बोले? 500 रुपए में पूरा आपको 20 किलो का कैरेट मिलने वाला है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने कितना किलो का है, 10 किलो का है। देख सकते हैं आप लोग, ये आपको 300 में मिलने वाला है और ये वाला 500 में मिलने वाला है, 20 किलो का कैरेट। देख सकते हो शॉप में इनके पास चिक्कू बहुत सारा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं, बड़े साइज में छोटे साइज में, इस तरह यहाँ पे वाटा लगा है। और यहाँ से जो अभी माल इनका बाहर जाने वाला है ट्रांसपोर्ट के जरिए, आप लोग देख सकते हो इस तरह इन्होंने ऐसा पैकिंग करके रखे। देख रहे हो पूरा ये 4 डजन आम है, देवनी आम है और 3000 में मिलने वाला है। और ये वाला भाई, ये वाला भी 4 डजन, 4 डजन, इसका क्या प्राइस है? इसका 1800 में ये 4 डजन मिलने वाला है। ये कौन सा आम है? रत्नागिरी का आम है, ठीक है भाई बता रहे। और ये वाला भाई, ये भी वही आज भाई, क्या रेट दे रहे हो हम? ये आपको पड़ेगा 2500 में पूरा पेटी। कितना पीस है भाई? 6 डजन, 6 डजन है और 2500 में पड़ने वाला। रेट वगैरह भाई कम होता है ना? अच्छा अच्छा, मतलब बार्गिंग होता है ना? अच्छा, मतलब आप मार्केट में विजिट करते हो तो गाइस बार्गिंग वगैरह कर सकते हो। और ये वाला सेम है क्या? अच्छा, ये 2800 का पेटी। कितना? ये देवगढ़ आम है, 2800 में पेटी मिलने वाला है। और ये वाला भाई, ये भी सेम है। अच्छा, सेम रेट 2800। तो गाइस अगर आप लोग भी इस फ्रूट मार्केट में विजिट कर रहे हो तो मुंबई में आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हो, सबसे पहले आपको वाशी स्टेशन आना है और वहाँ से आपको वेस्ट में आना है गाइस, वाशी वेस्ट में। वहाँ से आपको रिक्शा और बस दोनों चीज़ अवेलेबल है, आप लोग इस एपीएमसी मार्केट में विजिट कर सकते हो। और यहाँ के जो डीलर्स के नंबर जो है गाइस, मैंने आपने वीडियो में सबके साथ शेयर किया हूँ और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा। अगर आप लोग भी नया फ्रूट का बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो या तो आपको ज़्यादा कंटेंट में फ्रूट वगैरह चाहिए तो तब भी आप लोग इन डीलर्स लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मगर हाँ गाइस, यहाँ पे एक चीज़ है कि रेट जो है हर दिन यहाँ पे चेंज होते रहता है। जैसे कि आज कलिंगर जो है 9 रुपये किलो, 8 रुपये किलो ऐसा बोल रहे थे, हो सकता है कल भाव जो है, रेट जो है और भी बढ़ सके, कम हो सके, ये भी यहाँ पे होता है।
तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो तो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है गाइस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप लोग मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो चलिए गाइस तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जी ये थी जी एमबीसी मार्केट नवी मुंबई के अंदर वाशी में जो कि बहुत ही औसम मुझे तो लगा, यानी कि तरह तरह के फल देख के ना इतना दिल खुश हो गया कि यार क्या फल हैं, क्या चीजें हैं। और मुझे ये मार्केट भी काफी साफ लगी है, क्लीन, बहुत क्लीन थी, बहुत क्लीन थी, पूरा नजर आ रहा है कुछ। और काफी लोग कोऑपरेटिव भी लग रहे थे, और फलों की तो डिफरेंट टाइप, जैसे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो हर जगह से डिफरेंट जगहों से आई थिंक वहाँ पे चीजें आ रही थी, एक ही फल की डिफरेंट टाइप्स भी नजर आ रही थी डिफरेंट। तो मुझे जैसे मैंने देखे की कोरिया में, पाकिस्तान में हमें इतने नहीं देखे, सकीली ड्रैगन फ्रूट भी था। और एक और फ्रूट है जिसके बारे में मैंने वीडियो में भी कहा था, तो अगर आपको उसका नाम पता है तो प्लीज कमेंट्स में हमें भी बताइएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल उसका आइडिया नहीं है। तो इसी के साथ ही हम अपने रिएक्शन का एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आए देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, गिव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।